हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी के सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। SBI PO 2022 कुछ बच्चों का 2 दिनों के बाद, कुछ का 3, कुछ का 4 दिनों के बाद आपका पेपर हो रहा होगा और आप सब ने एक शानदार तरीके से अपनी तैयारी करी है। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस करे, आपके स्कोर भी बहुत अच्छे जा रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस ईयर के भी सारे पेपर लगा लिए होंगे। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अब एग्जाम में पेपर को एनालाइज करना है, किस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कंप्लीट क्वांट का 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ 20 मिनट्स टाइमर के साथ, जो आपका एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का रहता है कि कैसे 20 मिनट में क्वेश्चन एनालाइज करना, किस तरीके से क्वेश्चन को पिक एंड चूज करना है कि पहले स्पीड मैथ्स को कैसे पिक करना है, फिर कौन सा DI पहले लेना है, फिर कौन सा अर्थमेटिक में किस वाले पोर्शन को पहले पिक करना है, इन सारी चीज़ों पे इस सेशन में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए, जितने भी अदरवाइज अदर नोटिफिकेशन होती है वो भी आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते जाए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर टारगेट PDF भी मिलते रहते हैं। आज के सेशन में प्रैक्टिस मॉक का एक क्वांट का 35 क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें देखते हैं 20 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। आप भी पेन पेपर लेके साथ में बैठना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मॉक टेस्ट मैं लगा रहूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो दैट कि आप भी उसको एग्जैक्टली अटेम्प्ट करके देखो कि क्या स्कोर जा रहा है आपका। हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर सजेस्ट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर स्पीड के साथ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी स्पीड से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन रहा है तो डेफिनेटली आप मेरे अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑन स्क्रीन में सारी चीज़ें कवर कर रहूँगा तो वहीं से देखते हैं। तो करते हैं स्टार्ट इस सेशन को, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ से सबसे पहले जाना है प्रैक्टिस मॉक का, ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको SBI PO के सीरीज में जाना है। पहला मॉक टेस्ट दिख रहा है, बिल्कुल फ्री है, तो आप सभी के लिए भी फ्री है, आप भी लगा सकते हो, आप भी जाके लगाना इस मॉक को डेफिनेटली। तो देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, टेक टेस्ट, आई एम रेडी टू बिगिन, और मैं ना इस सेक्शन को करूँगा स्किप, इंग्लिश वाले सेक्शन। इस नेक्स्ट सेक्शन किया, नेक्स्ट सेक्शन क्वांट का खुलेगा। मेरे को पेन ले लेना, नहीं तो मेरा पेन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ही पहले क्वेश्चन पे गए अपन देख रहे हैं कि DIA, एक बार DIA को देख लो। द टेबल गिवन बिलो शोज द सम ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बेक्ड गुड दैट इज ब्रेड, ब्राउन, वाइट बिस्किट, ठीक है जी, बिस्किट सोल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ABCD शॉप है, नंबर ऑफ बेक्ड गुड है, ठीक है ठीक है ठीक है, बनने वाला है DIA। पाँचवा क्वेश्चन देख लेते सो दैट कि पता चले। छठा क्वेश्चन, अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा ना, मेरे को ये तो पता चल गया कि भैया देखो Y² के बराबर 625, मतलब प्लस का भी 5 है माइनस का भी 5 वैल्यू बनेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 18, मतलब माइनस 5 प्लस का 3, सॉरी माइनस 3, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, 5 बराबर है इसके, 5 बराबर है यहाँ से, माइनस 5 छोटा हो जाएगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज योर राइट आंसर CND। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, ये स्क्वायर टॉक है, 12 से 5 गया तो प्लस का 7 बच रहा है, और यहाँ पे देख लो 7 और 8 दोनों बज रहे हैं, 7 बराबर है, 7 8 से छोटा है, मतलब x लेस देन इक्वल्स टू y, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे देख लो मल्टीप्लाई करके 121 से, मतलब और ऐड करके 22, मतलब 11 और 11 बन रहा है सीधा सीधा, और ये बन रहा है आपका 9 और ये प्लस का 2 11, ये भी बराबर ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए आपको 20 और ऐड करके, सॉरी 40 और ऐड करके प्लस का 13, मतलब 8 और 5 है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो ये माइनस का 4 माइनस का 2.5 है, और ये मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए, मतलब 11, 6 और 5 दोनों नेगेटिव, माइनस का 4 ऑब्वियसली बात है इनसे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, माइनस का 2.5 तो सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई है ना। एक सेकेंड कहाँ गया इरेजर, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 9 और 7 यहाँ से मिल रहा है आपको 16, 14, मतलब 7 दूनी 14, तो माइनस का 7 प्लस का 2 जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 9 दोनों से बड़ा है, 7 बराबर है, 7 बराबर है, तो x छोटा है ना क्योंकि ये y की वैल्यू है, तो x लेस देन इक्वल्स टू y आ जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीलिंग फैन दैट ऑफ टेबल 25%, ठीक है, कैलकुलेट है बाद में देखेंगे। यहाँ पे देख लो कितने का डिफरेंस आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है, ये 0.8 का डिफरेंस है, 8 ऐड करूँगा 1.8 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, तो अगर मैं डबल डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 1.2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 1.4 का कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा टोटल का 3 है ना, 4.4 मतलब 20, 4.4 अगर ऐड करोगे तो 20,
यहाँ से देख लो, ये तो मिसिंग है 64 और 9, 73 प्लस का 20 29, 7 प्लस का 30 37, 30 और 45 75, मतलब 8 8 का डिफरेंस दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर भी 8 होगा तो मतलब 21 होगा, तो 43। तो 13 प्लस का 13, 13 प्लस का 8 21, करेक्ट है। और 43 इधर देख लो, 84 है, 120 है, मतलब 16 और 20 का 36 इधर है प्लस हो रहा है, यहाँ पे 20 और प्लस का 29, मतलब माइनस का 49 हो रहा है, 29 प्लस का 35 64 प्लस का 64 हो रहा है, यहाँ पे देख लो 54 है ना, तो 46 प्लस का 35, मतलब 81। तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर ऐड कर दो, 100 154। 4 2 6 14 9 23, 23 और 17 40, तो 4 2 6 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9 9 8, 17, मतलब यहाँ पे डबल डिफरेंस में कितना चला जाएगा, 4 2 6 6, 6 में 3 ऐड कर दो, 9 9 5 14 14 और ये इधर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ही है क्योंकि माइनस में वैल्यू चला गया, 42 प्लस का 12 54, माइनस का 12 हो रहा है ही नहीं, 82 34 34 8 42, और 48 का डिफरेंस है, यहाँ पे देख लो 34 और 6 40 20 60, मतलब 60 का डिफरेंस है, तो 12 48 60, मतलब 12 1 जा 12 4 जा 12 5 जा, तो 12 2 जा 24, और 142 में से 24 माइनस करोगे तो 118 आपकी वैल्यू बन रहा है, ठीक है। अब देखो 3 DA हैं अपने पास करने को, ये भी DA था, इसको पढ़ लेते एक बार क्या था, CFL LED बल्ब्स हैं, नंबर ऑफ CFL यूज्ड इन इंडिया, एवरेज ऑफ डिफरेंस का भी गिवन है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों की वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। चलो इसी DA से बनाना स्टार्ट करते हैं, पहला वाला DA अर्थमेटिक में आपको बाद में अटेम्प्ट करके बता रहा हूँ। अब देख लो ABCD 4 शॉप है, ABCD, मैं देखो यहाँ पे इसको पूरा बनाऊंगा तो फिर दिख नहीं रहा होगा, मैं इसीलिए यहाँ पे ले रहा हूँ, 750 का 40%, मतलब टोटल बेक्ड गुड है 750, इसमें 40% मतलब बिस्किट, तो बिस्किट 800 का 35%, 8 5 40, 8 3 24 28, 280, 500 का 48%, 48 का 50, मतलब 240, और 6 5 30, 6 4 24 3 27, मतलब 270। अब देख लो अगर 300 ये है तो 750, मतलब 450 बचा, 5 4 9 के बराबर 450, 1 के बराबर 50, मतलब 250, और 4 के बराबर 200, 600 में से 280 आपका ये है, तो मतलब 520, और 520 बटेगा 7 3 10 के बराबर, 520 1 के बराबर 52, 7 2 14, 7 5 35 36, 364 एक, 3 2 6 3 5 15, 156 एक, इसमें आपका 240 यहाँ पे, तो 260 बचेगा, 6 7 13 260, मतलब 1 के बराबर 20, तो 120 ये, 140 ये, 45%, 6 5 30, 6 4 6, तो निकाले ना 270, 270 600, मतलब 330, और 8 3 11, 11 को 330 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 के बराबर 30, 90 और 240। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ वाइट ब्रेड वर सोल्ड बाय बेकरी बी, बेकरी बी वाइट ब्रेड सेल कर रहे 156। वट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ बिस्किट पैक्ड एंड ब्राउन बिस्किट ब्रेड पैक्ड बाय डी, बिस्किट मतलब 270 और ब्राउन ब्रेड 90, 360। इफ 32% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्राउन ब्रेड पैक्ड सोल्ड बाय बेकरी ए वर टर्न्ड रिटर्न बिकॉज देवर पास्ट एक्सपायरी, 32% ए का ब्राउन ब्रेड, 25 का 32%, मतलब 1/4 करूँगा तो 80, तो 80 है ए वर देन एक्सपायरी, अच्छा वही वैल्यू भी पूछ रहे, तो 80। इफ ऑल बेकरीज सेल ईच पैकेट ऑफ बिस्किट ऑफ ₹15, देन द अमाउंट अर्न बाय बेकरी ए बाय सेलिंग बिस्किट बी, ए और बी का देखो बिस्किट का 380, मतलब 20 का डिफरेंस है, 20 को 15 से करूंगा तो 300। इफ ईच पैकेट ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड वेट 75 grams एंड 50 grams रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल ब्रेड्स पैक्ड बाय सी, मतलब 75 ग्राम, 12 5 60, और 12 6 72 7 84, 12 5 60, 12 7 84 और 6 90, मतलब 9000 इधर से चला गया ग्राम, मतलब 9 kg यहाँ पे, और 140 का 50, मतलब 70, मतलब 16 9 और 7 16, ठीक है जी। नेक्स्ट कैसलेट को देख ले क्या बनने वाला है, लग तो रहा है डूएबल करके देखो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीलिंग फैंस टू दैट ऑफ टेबल फैंस सोल्ड बाय शॉप ए इज 7:8, ए है सर 7:8, 7x 8x, नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय सेम शॉप इज 180, मतलब 15x 15 के बराबर 180, 1 के बराबर 12, 7 के बराबर 84, 8 के बराबर 96, शॉप बी सोल्ड 25% मोर सीलिंग फैंस देन शॉप ए, मतलब इससे ज़्यादा 84 में 21 ज़्यादा करूँगा तो 105 बी का चला जाएगा, देन शॉप ए एंड 15 less than फैन शॉप सी, टेबल फैन मतलब सी से 15, बी और सी का मतलब ये एक्स माइनस 15 का डिफरेंस रख लो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेबल फैन सोल्ड बाई बी एंड सी इज 5, मतलब ये 5 और 6, 1 के बराबर 15, 5 के बराबर 75 और 15 का 6 गुना 90।
ठीक है, बट इसका सी का ये नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ टेबल फैन सोल्ड बाई सी एंड डी इज टुगेदर 103। 103 का मतलब डबल 206, 206 में से 90 एक है, तो 90 मतलब 216 और प्लस का 116 चला जाएगा ये। और क्या नंबर ऑफ फैन सोल्ड 116, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ सीलिंग फैन सोल्ड बाई सी एंड डी इज 150, बट सी का कहाँ है? अच्छा, सॉप सी सो टोटल 153 ना, 153 है तो 90 ये तो 63 ये चला जाएगा, और 150 63 और प्लस का 37 और प्लस का 50 87। डेटा बन डन गया। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय शॉप डी? शॉप डी देख लो 87 और 16 203। द नंबर ऑफ सीलिंग फैन सोल्ड बाय सी इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टेबल फैन सोल्ड बाय बी? सी 63 है, 25 का 3 गुना, 25 का 4 गुना और 3 का 21 गुना 84। What is the ratio of between number total number of fans sold by shop A, table fans sold by shop A मतलब 96 और C 90, तो 32 सॉरी 3 से करूँगा तो 3 दिया 9, 3 दो नीचे 30 मतलब 16:15। What is the average number of ceiling fans sold by shop A and B C together? 5 4 9 3 12 1 8 1 9 10 19 6 25 225 3 8 24 3 6 12 84। देखो स्पीड तो आपको उतनी रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की स्पीड तो उतनी तगड़ी होनी चाहिए। इफ ईच सीलिंग फैन एंड ईच टेबल फैन वर सोल्ड वर 1000 and 500 रिस्पेक्टिवली डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू जनरेट सी सीलिंग फैन। अच्छा सी का देख लो, 63 को अगर 1000 से करोगे तो 63,000 और 500 रुपये किसका मतलब 90 का तो 45,000, 63,000 और 45,000 का डिफरेंस 18,000। ठीक है, ये वाला डी ए भी देख लेते हैं, 21 से 25, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा। देखो क्या बोल रहा है, एवरेज है ना, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो दोनों ए प्लस बी कितना अपने पास है यहाँ पे, ए प्लस बी 170 पे मतलब 170 का 2 गुना 340, ए प्लस बी 340 है और ए माइनस बी में डिफरेंस है 70 का मतलब, तो 340 है और डिफरेंस है 50, 55, 60 का, तो 60 मतलब 140 280 प्लस का 60 तो 140 ही है और 160 ही है। इधर कितना है, 190 है, 190 195 मतलब 380 टोटल है और डिफरेंस कितने का है 40 का, क्या तो 380 में से 40 गया तो 340 मतलब 170 एक और 40 ऐड करके 210 एक। ठीक है, दूसरा है 200 400 और 75 5 80, तो मतलब 400 में से 80 कम करोगे तो 75 5 80 320 160 और 80 ऐड करूँगा तो 160 प्लस का 80 240। ये वाला वैल्यू कितना है, 175 5 80 5 85 मतलब 185 370 और डिफरेंट कितने का 70 का, तो 385 और मैं से सॉरी 370 में 70 का 150 एक का और 150 में 70 ऐड करूँगा तो 220 एक का। ये वैल्यू 225 का 2 गुना मतलब 450 और ये वैल्यू कितना है 75 90, तो 90 मतलब 200 450 में से 90 गया तो 450 90 मतलब 360 180 और 270। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एलईडी बल्ब्स टू नंबर ऑफ सीएफएल बल्ब्स यूज्ड इन ऑफिस? ई में एलईडी बल्ब मतलब एलईडी ये या सीएफएल मतलब 90 3 90 2 3:2 इन ऑफिस ए ऑल द सीएफएल बल्ब यूज्ड इधर येलो और वाइट इन द रेशियो ऑफ what is the ratio of yellow bulb that of white CFL bulb 7:3 7:3 10 find the difference between 7:3 10 CFL ये 10 है ना तो 140 14 7:98 7:14 7:98। द नंबर ऑफ एलईडी बल्ब यूज इन ऑफिस बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ CFL एलईडी बल्ब सी बी एलईडी मतलब 210 कितना है सी का दोनों का 240 400 का 4 सी एफ एल है ना सी एफ एल एलईडी सी एफ एल द टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एलईडी बल्ब यूज्ड इन ऑफिस डी इज हाउ मच मोर एलईडी बल्ब ऑफिस 220 है ना एलईडी बल्ब यूज्ड मोर देन सी एफ एल बल्ब बी मतलब 170 से 50 ज्यादा इन ऑफिस एफ द नंबर ऑफ एलईडी बल्ब यूज 75% ऑफ द यूज्ड इन ऑफिस सी मतलब 75% मतलब सी का मतलब 180 240 का 60% और डी में क्या बोल रहे हैं
20% मोर देन डी, मतलब डी से 50, मतलब 50 का 12 15 180 360 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
गया, 60% ज़्यादा करके लिखा गया, मतलब 400 बन गया। ए प्रपोजेस टू सेल दिस आर्टिकल आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, मतलब 20 का 320 में बिक गया। 12 एक और डिस्काउंट है 12 का, मतलब 308 में बिक गया। टू सेल इट आफ्टर सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25%, 400 पे सिंगल डिस्काउंट में बेचेगा 25%, मतलब 300 में बेचेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, अच्छा 300 और 308 में डिफरेंस है 8 का। ए अलोन कैन डू 60% ऑफ वर्क इन 18 डेज, मतलब 3/5 करेगा तो 3 × 18, 5 × 30 ए करेगा 30 में। बी टेक्स 15, मतलब 3 × 15 = 25 कर रहा है ये, 15 डेज मोर देन, अच्छा मतलब ये 45 में करेगा। इफ बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, बी और सी करेगा 20 दिनों में, मतलब बी और सी करेगा 20 दिनों में, तो 45 90, ठीक है। देन 180 एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, इसको भी फिलहाल के लिए स्किप करेंगे, मेंसुरेशन है ये देख लो। मिक्सर ए कंटेंस एसिड एंड वाटर 11:500 लीटर ऑफ मिक्सर, बी एसिड कंटेंस 30 लीटर ऑफ वाटर, अच्छा 30 लीटर मतलब ये 65 और 35 का रेशियो बनेगा क्या, क्योंकि देखो 30 कम करेंगे 35 35, एसिड और वाटर मतलब 5 13 65, 5 7 7 भाई, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं ना, मेन मिक्सचर ए, तो अगर मैं यहाँ पे वाटर देखूँ तो कितना 4/15 है, यहाँ पे कितना वाटर है 7/20 है, और मतलब यहाँ पे 70% एसिड है, मतलब 3/10 है, तो 15 × 10 300 ले लेता हूँ ना, 15 × 30 मतलब सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 80, इसको मैं ये 7/20 कितना था 20 था ना, तो 15 105, और ये 3 से करूँगा तो 30 90, तो ये 10 और 15 5 18 40, तो 10 के बराबर 100, तो 150 और 150, 10 के बराबर 100 बनेगा तो 11 4 15, 150 मतलब 110 और 40 40 लीटर। ए बोट ट्रेवल 77 मतलब 165 है, 77 मतलब ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12.5% स्पीड ऑफ बोट, मतलब 8x और x से मतलब अप स्ट्रीम में जाएगा तो 7x जाएगा, 7x जा रहा है कितने में, 77 ले लो, 7x जा रहा है कितने देर में भैया, 165 मतलब 60 × 120 और 120 45, मतलब 15 × 15 4 × 8 = 11/4 में जा रहा है, 7 11 77 11 से 11 4 कटेगा मतलब 32 और 4 की स्पीड से जा रहा है तो 36 जाएगा, 36 × 72 72 और 36 × 72 दो घंटे में जाएगा, 9 मतलब 1/36 15 मिनट लेगा, तो 2 घंटे 15 मिनट मतलब 135 मिनट। अननेसेसरी क्वेश्चन सब नहीं बनाना, टच करना पहले। आउट ऑफ हिज मंथली इनकम 25,000 मुकेश स्पेंड 32%, मुकेश स्पेंड 32% ऑन रेंट, 52% ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा जी 25,000 है, इसको भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा लंबा चौड़ा, ठीक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 25,000 का पहले 32% गया तो मतलब 68% बचेगा, 68 मतलब 17/20 बचेगा, और फिर 52% मतलब 48 12/100 बचेगा, 12/20 बचेगा, 20 20 40 40 40 20 20 400 6 24 25 15 और 12 84 84 अंठानवे, अब इसका 75 9160 सेविंग है, मंथली सेविंग 9160, अच्छा 75% बोल रहे हैं, 75 मतलब 3/4 करूँगा तो 3 2 4 3 3 4 3 6 8 12 60 6120